नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। अशोका गार्डन पुलिस द्वारा शातिर वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरफ्त में आए 5 शातिर वाहन चोर। 30 लाख कीमत के करीब 3 दर्जन से अधिक दुपहिया वाहन बरामद। राजधानी भोपाल में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर वाहन चोरों को अशोका गार्डन पुलिस ने दबोच लिया। दोपहिया वाहनों को बिकवाने वाले 3 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से इनको पकड़ने में सफलता हासिल की है। चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए DCP साई कृष्ण ने बताया कि आरोपी अमित राठौर और धर्मेंद्र सिंह सुनसान जगह से हैंडल लॉक तोड़कर वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते थे। विदेशा के रहने वाले उनको सहयोगी दीपक रघुवंशी, दीपक सेन और दिनेश चौरसिया मोटरसाइकिल बेचने में मदद करते थे। अभी तक इन आरोपियों से 37 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। भोपाल के मंगलवारा, गोविंदपुरा, अशोका गार्डन सहित कई थाना इलाकों में इन्होंने वाहन चोरी करना कबूल किया। DCP ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा भी की है। जो CCTV फुटेज से नजर आ रहा है, कई का तो जो हैंडल ब्रेक होता है उसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद ड्रैग करके ले जाते हैं, या फिर ये जो शॉर्ट करके जो इग्निशन ऑन करने के बाद गाड़ी को चोरी करने का जो मोडस ऑपरेंडी है उसके थ्रू ये लोग करते हैं। उसके करने के बाद तुरंत इसको किसी को, मतलब दो दो तीन तीन करके जो हैं इनके परिचित या किसी के यहाँ पर इसको कुछ दिनों तक रोक देते हैं। फिर इनके जो विदेशा वगैरह के जो लोग भी हैं जो बेचने का काम करते हैं, 15-10 हज़ार में गाड़ियाँ आगे बिक जाती हैं, तो उनसे संपर्क करके जब ग्राहक मिल जाता है तो गाड़ियों को यहाँ से वहाँ भेजा जाता है। बेचने वाले वो लोग जिनको ये जानकारी थी कि गाड़ियाँ चोरी की हैं उनको आरोपी बनाया गया है। उन लोगों को आरोपी नहीं बनाया गया है जिनको ये आइडिया नहीं था कि गाड़ियाँ चोरी की हैं, तो उस तरीके से 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आपका क्या? ज़्यादातर गाड़ियाँ अशोका गार्डन की हैं, अशोका गार्डन की है। 10 गाड़ियाँ हैं अशोका गार्डन की। ये 3 लोग विदिशा के ही हैं, जो दीपक, किशन और दिनेश हैं, ये वही हैं। उसके बाद जो आगे जिनको भेजते थे वो पुराने, वो गरीब किसान और इस टाइप के लोग हैं, तो उनको आरोपी नहीं बनाया है। ये 5 लोग गिरोह के रूम पे काम करते थे। इसमें एक हरदा का व्यक्ति है और एक हमारे थाना एरिया बजरिया का रहने वाला व्यक्ति। इसमें जो पुराना हरदा वाले का है नहीं, इसमें दोनों का ही पुराना रिकॉर्ड नहीं है। लाइफस्टाइल तो ऐसी बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं थी। इसमें धर्मेंद्र सिंह जो है ये मजदूरी का काम करता है और अमित राठौर जो है ये गाड़ियां चलाता है। मैं जो थाना इलाके में सब है, जो पुलिस से आंखें चुरा कर लेकर जा रहे थे, उनको रोककर पूछताछ की गई, जिससे पता चला कि ये वाहन चोर हैं और उनका जो हुलिया है वो पिछले कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो CCTV कैमरेज में कैप्चर्ड वीडियोस हैं उससे भी मैच हो रहे थे। तो इनसे लगातार पूछताछ करने पे इन्होंने इनिशियली 6-7 गाड़ियों का बताया, फिर उसके बाद उनका रिमांड लिया 5 डेज का। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान 37 गाड़ियों का पता चला है जो इन्होंने भोपाल में अलग अलग एरिया से चुराई हैं। कई सारी अशोका गार्डन की हैं, मंगलवारा की हैं, गोविंदपुरा की हैं, चारों ही जोन्स के गाड़ियां इसमें बरामद हुई हैं। इसमें जो दो मेन चोर हैं, अमित राठौर और धर्मेंद्र सिंह, ये दो मेन चोर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही जो बाकी 3 हैं, 3, 4, और 5 नंबर पर दीपक, किशन और दिनेश, ये जो 3 हैं ये वो लोग हैं जो गाड़ियों को आगे बेचने में मदद करते थे। ये विदिशा के रहने वाले लोग हैं जो इनके एजेंट्स हैं, जो गाड़ियों को आगे गांव में जो है लोगों के पास बेचते थे। तो इस तरीके से कार्रवाई करके 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 37 गाड़ियां बरामद की गई।